मतलब जो है बहुत सारे मुख्तलिफ होते हुए कि हम कैसे यूनाइट हो जाए उस पे हम जो है वो कैसे हम अपने नेबर को भी जो है साथ चले उससे भी मोहब्बत करें या नेबर में इंस्टीट्यूट फॉर फेथ बेस्ड डिप्लोमेसी के एक एसोसिएट हूँ। आप सबको थैंक यू आप आए। इससे पहले कि हम प्रोग्राम के प्रोसेस में जाए मैं थोड़ा सा प्रोग्राम का डिटेल्स दे देती हूँ। सबसे पहले हम वेलकम नोट सुनेंगे, उसके बाद हम ठीक है, फिर उसके बाद हमारे चीफ गेस्ट से हम उनके थॉट सुनेंगे इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फिर उसके बाद हमारा वोट ऑफ थैंक्स होगा, फिर उसके बाद हम थोड़ा टी ब्रेक लेंगे, फिर हम प्रेस के साथ थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले मिस्टर मुस्तफ़ा हाजी को बुलाना चाहूँगी वेलकम नोट के लिए। थैंक यू। मैं तशरीफ़ लाए हुए मुख्तलिफ मज़हबी इदारे जिसमें हमारे जमीयतुल उलमा इस नाशिया के नुमाइंदे इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, इसी तरह से हमारे पुलिस एसोसिएशन, हमारे अंजुमन साहब जमान, इसी तरह से हमारे अहले सुन्नत वल जमात के रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया पर्सन्स और एफबीडी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, मैं पहली बार इस ऐसे प्रोग्राम में इनके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, लेकिन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे रिलीज़ हुआ उसको नज़र दे के और बाकी जो ब्रीफिंग यहाँ पे थोड़ा सा मुस्तफ़ा साहब और बाकी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने दिया उससे मुझे ये मालूम हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरे ख़्याल में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत से काम करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग एक्टिविटीज़ पे, लेकिन जहाँ तक मुझे एहसास हुआ अभी कि ये जो काम है ये आज के दौर में आज के वक्त की जो अहम ज़रूरियात जो है मुझे लगता है नीड ऑफ द आवर है ये, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि हमारे लोगों में चाहे वो किसी भी मज़हब में हो या किसी भी सोसाइटी में हो टॉलरेंस की बहुत कमी है। आज आप देखते हैं कि मतलब टॉलरेंस मीन बर्दाश्त बहुत कम है लोगों में,